कभी कभी मैं सोचता हूँ तो सोचता हूँ कि दुनिया में सबसे टॉलरेंट लोग इंडिया के हैं। जिस तरह की गर्म हवा टीवी से आती है और जिस तरह की जहरीली हवा सोशल मीडिया से आती है, उसके चलते तो हर रोज़ हमारे यहाँ दंगे होना चाहिए, हर रोज़ घर जलने चाहिए, लेकिन होटा इसके बरक्स है। आज तक हमारे जो मामलात हैं हमारे मज़हब से दूसरे पड़ोसियों से, वो टूटने में अभी तक वक्त लग रहा है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट और हेटरेट, इसको रोकने के लिए आपको नेशनल फेस्टिवल से लेकर उनके फेस्टिवल से लेकर आपके फेस्टिवल तक ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उन फेस्टिवल को एक साथ सेलिब्रेट करते समय कम्युनल हारमोनी का मुजाहरा आप करवाएं। पहला जीनोसाइड इस दुनिया में, मॉडर्न ज़माने की बात कर रहा हूँ, पहला जीनोसाइड वो क्रिश्चियंस पे आया, और क्रिश्चियंस ने आपस में एक दूसरे को दो बार मारा, एक बार नहीं दो बार, पूरे कत्लो गारत के साथ, और उसे हम वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू कहते हैं। और उसके बाद आज सारी दुनिया पे ग्लोबल कंपनीज पे, फॉर्चून 500 मल्टीनेशनल कंपनीज पे आज भी सारे क्रिश्चियंस का कब्जा है। उसके बाद जो जीनोसाइड आया वो ज्यूस का आया, यहूदियों का आया, 60-60 लाख की तादाद में उनको मारा गया। लेकिन अब ऐसा वक्त है कि इज़राइल इतना ताकतवर नेशन है कि आने वाले ज़माने में इज़राइल की टेक्नोलॉजी के बिना दुनिया में कोई नहीं रह सकता है। सिर्फ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ बड़ी इम्पॉर्टेंट सी। आपके उस पर ना पहला स्क्रीन पे एक स्लाइड है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि नो ज्यूज़ आर अलाउड, नो डॉग्स, नो निग्रोज, नो ज्यूज़ आर अलाउड। और ये कार्टून है उस ज़माने के न्यूज़पेपर में छपा हुआ अमेरिका के, जिसमें एक ज्यूस को देखकर एक अमेरिकन अपने नाक पे हाथ रख रहा है और कह रहा है मेरे दरवाजे के सामने से जल्दी से गुजर जाओ। ये उस ज़माने में था जब ज्यूस सब कुछ लुटा पिटा कर अमेरिका पहुँचे थे। ये उस ज़माने की पहली स्लाइड है, ठीक है। मैं दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। ये एक कुरान की बहुत प्यारी आयत है जो हम सब जानते हैं और ये हमारी फेवरेट आयत है इस वक्त। वो कहती है कि हौसला मत हारना, मायूस मत होना, ये तुम ही हो जो गालिब आओगे अगर सब कुछ ईमान के साथ सह गए। लेकिन इसके आगे की आयत मुझे बहुत पसंद है जो इस ज़माने के हिसाब से बिल्कुल सही है। वो कहती है देखो अगर कोई ज़ख्म तुम्हें लग रहा है तो याद रखो सिमिलर ज़ख्म, सिमिलर वुंड पहले उनको लग चुका है। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है तो याद रखो उनके साथ वो हो चुका है। और उसके आगे अल्लाह पाक बहुत प्यारी बात कहता है, एंड दीज आर द डेज, ये वो दिन हैं जो हम कौमों के दरमियान घुमाते हैं ताकि ईमान वालों की शिनाख्त हो सके, ताकि जिसका सच्चा ईमान है अल्लाह को वो लोग मिल जाएं, क्योंकि अब यहाँ से बहुत दूर तलक जाना है और छोटे दिल वालों के बस का ये नहीं है। तो जिस दिन से आपने देखा है इस तरह के दीन हमारे इसमें आए हैं, हमारे ज़माने में आए हैं, आपने देखा है बहुत सारे लोग वो इस्लाम से उस साइड हो गए। क्यों? छटनी का वक्त है, झाग को पानी से हटाया जा रहा है। और यही वो आयत कहती है कि कौमों के दरमियान हम इन दिनों को घुमाते हैं। फिर एक और आयत है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि अल्लाह पाक कहते हैं कि देखो ऑब्जेक्ट क्या है इस तकलीफ़ का, उन कमज़ोर दिल कमज़ोर ईमान वालों उन मुनाफिकों की सफाई हो जाए और फिर इस्लाम को वो सच्चे और पक्के लोग मिले जो वाकई मुसलमान कहलाने के काबिल है। तो इस आयत के तहत मैं आपको हिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टुकड़ा दिखाने जा रहा हूँ। और एक ये आखिरी आयत भी सुन लीजिए, 143वीं है। वो कहती है कि और तुम्हें क्या लगता था कि एक मुसलमान घर में पैदा हो के कलमा तुमने पढ़ लिया तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जबकि अभी अल्लाह ने तो तुम्हें टेस्ट भी नहीं किया है। और जबकि तुम में से जो लोग कहते हैं कि या अल्लाह हम ईमान पर हैं, तुम्हारे ईमान की साबित कदमी को अभी हमने टेस्ट भी नहीं किया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखिए उन्होंने क्या किया जिन्होंने उरूज पाया। तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कहाँ से किस कौम को होकर गुजरना पड़ता है और फिर वो क्या करती है कि सारी दुनिया उसके कदमों में होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस इंसान को तो हम में से हर कोई जानता है। आप समझ रहे हैं? इस इंसान को तो हर कोई जानता है।
ये पहला पोस्टर देखिए, आज दुनिया में फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स वो इसराइल में लोकेटेड है। मैं आपको एक ताना सुनाता हूँ जो अमेरिका की किताबों में लिखा होता है, बड़ा खूबसूरत है। इफ़ यू वांट ऑयल गो टू गल्फ, इफ़ यू वांट ऑयल गो टू गल्फ, बट इफ़ यू वांट टैलेंट गो टू इसराइल। अगर टैलेंट चाहिए तो कहाँ जाओ, इसराइल। आप सुनते चलिए, ये जर्मन सोल्जर्स खड़े हैं ज्यूज की दुकानों के बाहर, हाथ में पोस्टर लिए जिसमें लिखा है कि ज्यूज की दुकानों से कुछ नहीं खरीदना। अभी मैंने एक स्टेटमेंट सुनाया, आज वो कहाँ पहुँच गए, और अभी एक पोस्टर दिखा रहा हूँ कुछ नहीं खरीदना। ऐसा पोस्टर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक ऑफ इंडिया में तो कभी नहीं लगेगा, लेकिन व्हाट्सएप पे ये पोस्टर ज़रूर घूम रहा है हमारे लिए।